हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सीजनल गार्डनिंग में। तो आज के वीडियो में आपके लिए अपराजिता का पौधा, इसको इंग्लिश में ब्लू बेल वाइन या बटरफ्लाई पी के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको किस तरीके से कटिंग से लगाया जाता है, तो उसका पूरा जो आपको तरीका है वो आज वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। अभी तक आपने मेरे चैनल सीजनल गार्डनिंग को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल सीजनल गार्डनिंग को सब्सक्राइब कीजिए, उसके पास में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। अब आपको बताती हूँ इसको किस तरीके से लगाना है। तो इसमें दो कलर के फूल आते हैं, एक वाइट कलर है और एक ये ब्लू कलर का। तो आज मैं आपको ब्लू कलर का फूल किस तरीके से लगाया जाता है वो बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है, प्लास्टिक का कंटेनर है ये। आप पॉट में भी इसको लगा सकते हैं कटिंग के थ्रू, लेकिन मैं अभी प्लास्टिक में लगा रही हूँ। तो इसको पहले मैंने प्लास्टिक के कंटेनर में बीच में होल कर दिया है, जिससे क्या होगा जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल सकेगा। तो हमें एक्स्ट्रा पानी के लिए भी जगह बनानी पड़ती है। तो कभी भी आप पॉट में या कोई कंटेनर में अगर पौधा लगाते हैं तो उसमें नीचे होल जरूर कीजिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो आसानी से निकल जाए। तो इसमें सबसे पहले ये मैंने प्लास्टिक का कंटेनर लिया हुआ है और ये इसमें सब्जी वगैरह हम लेकर आते हैं। जैसे हम अगर होटल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ से अगर हमारी सब्जी वगैरह बच जाती है तो वहाँ से सब्जी इस कंटेनर में ही लेकर आते हैं। तो यही वो कंटेनर है। अब इससे मैंने जो होल है उसको बंद कर दूंगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमें एक्स्ट्रा पानी निकालना है, अगर मिट्टी निकलेगी तो इसीलिए हमें मिट्टी को भी बंद रखना है। तो जो होल है उसको हम बंद रखेंगे, अगर हमें मिट्टी भी निकलती जाएगी तो वो पौधा है और ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसको मैंने बंद कर दिया है। तो ये मिट्टी का वीडियो है ऑलरेडी मैं चैनल पर डाल चुकी हूँ, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिट्टी के वीडियो की मैंने लिंक डाल दी है, तो वहाँ से आप मिट्टी को किस तरीके से तैयार किया जाता है पूरा वीडियो आप मिट्टी का देख सकते हैं। तो अब दोस्तों, पूरा आपको जो कंटेनर है पूरा नहीं भरना है मिट्टी से। क्यों? क्योंकि मिट्टी है जो हमें थोड़ी जगह कंटेनर में छोड़नी चाहिए। मिट्टी एकदम हम पूरी भर देंगे तो जब हम पौधा लगाते हैं तो वो पौधा एकदम अच्छे से मिट्टी में दबा नहीं रहता है। तो इसीलिए हमें पौधे को सपोर्ट देने के लिए ऊपर से एक्स्ट्रा मिट्टी ज़रूर भरनी चाहिए, और उसके लिए हमें जगह भी ज़रूर छोड़नी चाहिए ताकि वो पौधा अच्छे से मिट्टी में दबा रहे और एकदम पौधा एकदम अच्छे से लगा रहेगा। तो इसीलिए मैं अच्छे से पूरा अच्छे से मिट्टी से भर दूंगी पहले पॉट को। तो वो मिट्टी से भर गया है, अभी इसमें मैं थोड़ा सा होल बना दूंगी गड्ढा, जिससे क्या होगा जब हम कटिंग को लगाएंगे इसमें तो ये अच्छे से लग जाए। तो उसके लिए बीच में एक होल बना दूंगी, एक छोटा सा गड्ढा। अब ये जो कटिंग है वो इस तरीके की दिखती है, ये अपराजिता के पौधे की। अपराजिता का जो पौधा है वो ज़रूर घर में लगाइए, इससे घर में धन की कमी नहीं होती है। आपके घर में अगर आपके घर में जो वातावरण है घर का वो अच्छा नहीं है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, तो इसी के कारण ये पौधा ज़रूर लगाइए। पौधा लगाने से घर में खुशहाली रहती है और लक्ष्मी जी एवं प्रसन्न होती हैं। ये पौधा जो है, ये पेड़ जो रहता है वो ज़्यादातर पानी एरिया में लगता है, जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है उसी जगह पे पौधा लगाया जाता है। और इसको रोज़ पानी डालिए तो पौधे में बहुत सारे ढेर सारे फूल भी खिलेंगे। तो इस तरीके से पूरा मैं अच्छे से पौधे को लगा रही हूँ, मिट्टी से पूरा चारों तरफ फैलाते हुए पौधे को दबा दूंगी ताकि ये पौधा अच्छे से लगा रहे। रोज़ इसमें पानी डालेंगे तो इसमें ऐसे ढेर सारे फ्लावर खिलते रहेंगे। तो ये जो और इसके जो फूल हैं वो शिव जी और विष्णु भगवान को भी बहुत प्रिय हैं, तो उन्हें भी अर्पित किए जाते हैं। और शनिदेव को भी बहुत प्रिय हैं इसके फूल। अगर आप शनिदेव को भी इसके फूल चढ़ाएंगे इस अपराजिता की, तो वो भी बहुत प्रसन्न होंगे आपसे। तो ये और ये कालका माता को भी चढ़ाया जाता है, तो देवी को भी ये बहुत प्रिय है जो फूल है। और ये दिखने में बहुत सुंदर दिखता है, इसका जो शेप ही है बहुत ही सुंदर है, इस तरीके का शेप रहता है इसका। और ये दो कलर के शेप्स में आते हैं ये, और इसमें कलर भी दो ही आते हैं, ब्लू एंड वाइट। और ज़रूर लगाइए इस पौधे को, अभी तक नहीं लगाया है।
अब इस तरीके से पूरा पौधा लग गया है, अब इसमें इस तरीके से पानी डाल देंगे। तो आपको आज का वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सीजनल गार्डनिंग को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूँगी आने वाली वीडियो में एक नए पौधे के साथ। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए।